आज से लगभग 1300 वर्ष पहले उत्तर भारत के कश्मीर में राजा ललितादित्य का आधिपत्य था। वीर और पराक्रमी सम्राट ललितादित्य ने अपने युद्ध कौशल से अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में सुदूर मध्य एशिया से लेकर पूर्व में तिब्बत तक किया। सूर्यवंशी राजा ललितादित्य कारकोट राजवंश के वंशधर थे। कला के क्षेत्र में विशेष रुचि होने के कारण उन्होंने अपने शासन काल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसके कारण राजा ललितादित्य अपनी प्रजा के मध्य अत्यंत ही लोकप्रिय हुए। 8वीं शताब्दी के मध्य में राजा ललितादित्य ने स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, और यह उदाहरण था सूर्य देव को समर्पित एक मंदिर मार्तंड। मार्तंड मंदिर की भव्यता कल्लड़ रचित पुस्तक राजतरंगिणी में वर्णित है। सूर्य मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से करवाया गया था। इस निर्माण में ग्रीक अथवा यवन के स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है। पश्चिम की ओर स्थित मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही प्रांगण के केंद्र में एक जलकुंड सुशोभित है। मंदिर के चारों ओर 84 स्तंभों की स्तंभावली और छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं। प्रांगण में अन्य और भी मंदिर स्थापित किए गए थे, जिन्हें संभवतः पंचायतन कहा जाता था। मंदिर का मुख्य स्तूप सुंडाकार आकृति अर्थात पिरामिड के आकार का हुआ करता था, जो कि शंकराचार्य मंदिर से प्रभावित था। मध्य में स्थित मुख्य मंदिर के तीन भाग थे। सर्वप्रथम अर्धमंडप, मध्य में अंतराल और अंत में पवित्र गर्भगृह। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों पक्षों में रणेशा और अमृतेश्वरा नामक दो और भव्य मंदिर शोभायमान थे। मंदिर में प्रवेश करते ही अर्धमंडप की अंतर ओर की छत पर कलाकृतियों की ऐसी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत की गई थी, जो न जाने अपने समय में कितने नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती रही होंगी। अर्धमंडप से अंतराल की ओर प्रवेश करते ही दोनों ओर दो प्रमुख देवियों की मूर्तियां शोभायमान हैं। बाईं ओर माँ गंगा अपने वाहन मगध तथा दाईं ओर माँ यमुना अपने वाहन कूर्म पर विराजमान हैं। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की प्रतिमा विराजमान थी, जो अपने रथ में युद्धरत अश्व और सारथी के साथ दर्शाए गए थे। सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरणें पश्चिम के मुख्य द्वार से सीधे प्रवेश होकर सूर्य की मूर्ति पर पड़ती थीं, जिससे भगवान सूर्य का वास्तविक मार्तंड स्वरूप अत्यंत ही भव्य प्रतीत होता था। भारतवर्ष के ऐसे ही सुसज्जित मंदिरों की ऐश्वर्यता की चर्चा दूर दूर के देशों तक
लोकप्रिय थी। अतः कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के विदेशी शासकों ने इसे लूटने व यहाँ विध्वंस मचाने के उद्देश्य से आक्रमण किया, जिसे ललितादित्य और बाप्पा रावल जैसे कई प्रतापी शूर वीरों ने अपने पराक्रम से न केवल उन्हें रोका अपितु उन्हें पराजित कर उन मलेच्छों को देश से बाहर भी किया। कालांतर में बहुत से राजा ऐसे भी हुए जो वीर तो थे, साथ ही क्षमाशील व उदार प्रवृत्ति के भी थे। इसी बात का लाभ उठाकर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ के शासकों को षड्यंत्रों द्वारा पराजित किया व स्वयं शासनकर्ता बन गए। इतिहासकारों के अनुसार 15वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही एक और क्रूर विदेशी शासक सिकंदर बुधशिखन की कुदृष्टि हमारे भव्य मंदिर मारतंड पर पड़ी। उस आतताई ने देखते ही उसे ध्वंस करने का आदेश दे दिया। आज भी उस मंदिर के ध्वंसावशेष उपस्थित हैं, जो हमें उस क्रूरता को स्मरण दिलाते हैं। काल का ही चक्र है जो हमें यह दर्शाता है कि हमसे जब भी कोई भूल हुई है तो हमें उसका विनाशकारी फल भोगना पड़ा है, और जब जब हम संगठित हुए हैं तब तब हमने दुष्टों द्वारा बिगाड़े गए कार्यों को पुनः सृजित किया है। काल के चक्र से कोई अछूता नहीं बचता, समय के अनुसार सभी को इसे भोगना ही पड़ता है।